ने कलदम जमात के टारगेट किलर की इंटरोगेशन रिपोर्ट हासिल कर ली है। मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि 2009 से 2014 तक 10 अफराद का कत्ल किया, भत्ताखोरी और जलाओ घुराव की दर्जनों कार्रवाइयां की। रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद उर्फ शद्दू ने 1998 में कलदम जमात के यूनिट 5G में शमूलियत अख्तियार की। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि 2001 में चंदे के पैसों से 14 फायर करने वाला पिस्तौल खरीदा, जिसे कत्ल, इकदामे कत्ल, जलाओ घिराव और हवाई फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद शद्दू ने 2009 से 2014 तक 10 अफराद को कत्ल, 9 को जख्मी किया। मुलजिम ने सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग की कार्रवाइयाँ मुखालिफ मजहबी और सियासी जमात के कारकुनान की की। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान 2012 में नागन चौरंगी पर CID से मुकाबले में फरार होने का भी एतराफ किया। मुलजिम शाहिद शद्दू के मुताबिक 2014 में नीकू राजी के साथी की मौत का बदला लेने के लिए MQM यूनिट इंचार्ज के छोटे भाई उस्मान को अगवा किया। उस्मान पर 4 घंटे तक तशद्दुद करने के बाद उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम कत्ल, इकदामे कत्ल, भत्ताखोरी और जलाओ घिराव की दर्जनों कार्रवाइयों में मुलविस रहा, जबकि मुलजिम ने 2005 से 2013 तक मुख्तलिफ जगहों और दुकानों से भत्ता लेने के सैकड़ों वारदातें भी की। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। ऑरेंज जब्बार, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।